हेलो बच्चों, ये एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हम लोगों का वही चैप्टर कंटिन्यू है, लाइफ प्रोसेस का, एक्सक्रीशन वाला पार्ट का। एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स स्पेशली इन फॉर द 10th स्टैंडर्ड एज वेल एज फॉर द NTSC सेक्शन। तो नाउ द एज यू नो दैट एक्सक्रीशन इज व्हाट? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट। अब व्हाट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द प्लांट्स? प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? जैसे एनिमल्स के केस में हम लोगों ने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो लिया था वो लिया था बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट लिए थे, और इसके अलावा हम लोगों ने लिए थे दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विच इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। नाउ इसके अलावा हमने कहा था कि सम ऑफ द मिनरल्स आर ऑल्सो लॉस्ट। तो इन द सेम वे प्लांट्स के अंदर भी सर्टेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है बेटा? तो सबसे पहला चीज होता है कि जैसे अगर हम ये कहते हैं कि प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, है ना, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ह्यूमन बींग टेक ऑक्सीजन रिच एयर एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। जबकि प्लांट्स क्या करेंगे, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेज ऑक्सीजन। तो जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लांट्स के अंदर होता है दैट इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कहाँ से बना है बेटा? तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो यू ऑल नो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड दैट इज द ऑक्सीजन। क्योंकि अगर हम इसको इक्वेशन को देखें तो 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन होती है बेटा, जो फोटोसिंथेसिस की है यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मोस्टली छोटी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में आप पढ़ते थे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस C6H12O6 प्लस 6O2। इसमें H2O नहीं लिखा जाता था, बट बैलेंस इक्वेशन अगर हम करते हैं तो ये इसकी बैलेंस इक्वेशन है। तो हेयर द ऑक्सीजन एंड वाटर इज द मेटाबॉलिक वेस्ट। तो दीज आर द मेटाबॉलिक वेस्ट। तो सबसे पहले ऑक्सीजन एंड वाटर विच मेटाबॉलिक वेस्ट आर एक्सक्रीटेड थ्रू कैसे बेटा? स्टोमेटा, है ना, हमें पता है स्टोमेटा रिलीजेस ऑक्सीजन एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब आप ये कहोगे कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, प्लांट्स ऑल्सो डू रेस्पिरेशन सो दे ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज एग्जैक्टली राइट, ये भी बिल्कुल सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ एक्सक्रीटरी वेस्ट, बट ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द फोटोसिंथेसिस गोइंग ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बट व्हेन देयर इज नाइट, ड्यूरिंग नाइट व्हेन नो सनलाइट इज देयर, नो एसिमिलेटरी पावर इज लेफ्ट, देन व्हाट हैपन? Only the respiration going on in the plants and no photosynthesis occur. As a result, during night, inside the plant cells, the amount of CO2 increases. So, the carbon dioxide is also lost through stomata. Carbon dioxide bhi stomata ke through hi lost hoti hai. Toh hum ye nahi keh sakte ki only oxygen is the excretory product. Carbon dioxide is also excretory product. But during the day, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सो देर इज नो रिमूवल ऑफ CO2, बट ड्यूरिंग नाइट द प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक ऑक्सीजन। ओके, नाउ अगेन वी कम ऑन टू द नेक्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट, द वॉटर। तो वॉटर जो होता है बेटा दैट इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपीरेशन। वॉट इज ट्रांसपीरेशन बेटा? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। तो वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट थ्रू ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन जो होता है बेटा
दैट इज ऑल्सो थ्रू अकर थ्रू द स्टोमेटा. अब नेक्स्ट थिंग जो आती है दैट इज एक वर्ड आता है बेटा गटेशन. गटेशन नाउ व्हाट इज दिस गटेशन. तो एक्चुअली अभी तक हम जो कर रहे थे ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, तो गटेशन में देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट. ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब लॉस होता है वाटर का तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गटेशन. और ये यूजुअली क्लाउडी नाइट में ज़्यादा होता है. क्लाउडी नाइट में क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स तो दैट इज नॉट लॉस्ट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. तो जब वो ट्रांसपिरेशन से नहीं लॉस्ट हो पाते तो यूजुअली दे लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर विच अकर एट द टिप ऑफ द लीफ ब्लेड. जैसे ये लीफ ब्लेड है तो यहाँ पे टिप पर दिखाई वाटर वेपर ड्रॉप दिखाई देगा, वाटर ड्रॉपलेट, दैट इज कॉल्ड एज गटेशन. अब गटेशन जो होता है जैसे हमने कहा ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से होता है, तो गटेशन कहाँ से होता है? तो स्पेशल स्ट्रक्चर इज देयर दैट इज कॉल्ड एज हाइडेथॉड. हाइडेथॉड इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर वेयर द गटेशन आकर. ये तो हो गया बेटा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का लॉस. इसके अलावा सर्टेन मेटाबॉलिक वेस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट. नाउ हाउ दीज आर लॉस्ट? तो वी नो दैट प्लांट्स कंटेन मोस्ट ऑफ द सेल्स. मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स आर डेड. डेड सेल्स होती है बेटा. तो अब एक चीज़ है, जब कोई सेल पहले ही डेड है तो वो अगर उनके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट को स्टोर कर दें, सो द एक्सक्रीटरी वेस्ट और आई शुड से मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर्ड इन दीज डेड सेल्स. तो इन डेड सेल्स के अंदर ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो जाते हैं बेटा? स्टोर हो जाते हैं. तो दिस इज हाउ, जब डेड सेल में स्टोर हो गए तो दे आर दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लिविंग सेल. तो एज अ रिजल्ट दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन. नाउ सर्टेन एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑल्सो deposit in leaves. कुछ excretory waste leaves में भी deposit हो जाते हैं. और जब भी बेटा leaf fall होने वाली होती है तो जब leaf fall होती है तो उसके साथ में they get rid from the waste also. तो deposit in the leaf when leaf fall occur they get rid का मतलब होता है छुटकारा मिल जाना. उनको छुटकारा मिल जाता है किससे? एक्सक्रीटरी वेस्ट से. तो लीफ इज ऑल्सो अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन. जब लीफ फॉल होती है तो हर साल यूजुअली आपने देखा है प्लांट्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक डेसीडुअस प्लांट होते हैं और एक एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं. अब डेसीडुअस प्लांट्स शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, वेल द डेसीडियस प्लांट्स सॉरी द ग्रीन एवरग्रीन प्लांट्स जो होते हैं दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. बट इट इज़ नॉट सो कि उनकी लीफ फॉल नहीं होती. उनकी भी लीफ फॉल होती है लेकिन उनकी सारी लीफ एक साथ फॉल नहीं होती. कुछ लीव्स फॉल होती है, न्यू आ जाती है, कुछ फॉल होती है. तो धीरे धीरे लीफ तो फॉल होती रहेंगी. तो क्योंकि लीफ फॉल होना वाई इट इज़ नेसेसरी टू गेट रिड फ्रॉम द एक्सक्रीटरी वेस्ट. ओके, नेक्स्ट आता है कि द एक्सक्रीशन इज ऑल्सो अकर थ्रू द रूट्स. रूट्स व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट, रूट इज इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल. जब वो सॉइल के कॉन्टेक्ट में है तो दे एक्सक्रीट सर्टेन मिनरल्स विच आर द मेटाबॉलिक वेस्ट. नाउ
रूट में इन्हें एक्सक्रीट किया। इसके अलावा द एक्सक्रीटरी वेस्ट और आई शुड से मेटाबॉलिक वेस्ट गेट डिपॉजिट इन ओल्ड जाइलम में भी डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि ओल्ड जाइलम अपना वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, जिसे प्राइमरी जाइलम कहते हैं। सेकेंडरी जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द ओल्डर प्लांट्स। ओल्डर प्लांट्स की बात कर रही हूँ मैं, एनुअल प्लांट्स की बात नहीं कर रही हूँ। जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ओल्ड जाइलम होता है वो डेड हो जाता है और उनके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट गेट डिपॉजिट एंड दिस इज हाउ दे गेट रिड फ्रॉम दिस वेस्ट। इसके अलावा द प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ गम और रेजिन फ्रॉम बार्क। बच्चे आप लोगों ने देखा है, सुना भी होगा, गम मतलब गोंद, जो पेड़ों के बार्क को अगर आप ऊपर से तोड़ो, स्क्रैप आउट करोगे एंड लीव इट ओवरनाइट और टू डे थ्री डे, तो अ वेरी थिक म्यूकस थिक लिक्विड कम्स आउट एंड स्लोली दैट लिक्विड गेट सॉलिडिफाई एंड फॉर्म द गम्स, जिसको हम हिंदी में गोंद कहते हैं। सर्दियों में मम्मी गोंद के लड्डू भी बनाती हैं, तो वो जो गोंद के लड्डू हैं दे आर द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ द प्लांट विच आर रिच इन मिनरल्स। दैट्स वाई वी पीपल यूज दैट गम फॉर मेकिंग द लड्डूज। हम उस गोंद को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर मिनरल रिच होते हैं, तो वो मिनरल्स एक्स्ट्रा जो मिनरल हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान में उन्हें ज़रूरत नहीं है, दे गेट रिड आइदर इन द फॉर्म ऑफ गम्स और रेजिन फ्रॉम द बार्क। तो दिस इज हाउ द एक्सक्रीशन अकर इन द प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन कौन से हुए बेटा? सबसे फर्स्ट स्टोमेटा। स्टोमेटा एक्सक्रीशन करता है ड्यूरिंग द डे, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस में, सो दे गेट रिड फ्रॉम द ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा। ड्यूरिंग नाइट, बिकॉज नो रेस्पिरेशन इज गोइंग सॉरी नो फोटोसिंथेसिस इज गोइंग ऑन, ओनली रेस्पिरेशन, सो ड्यूरिंग नाइट they get rid from the carbon dioxide through stomata. Water, they lost it through the transpiration. ठीक है, if during the cloudy night when the transpiration rate is low, तो then the extra water is released out in the form of water droplet, that is called as guttation, and guttation occur through the hydathod. Next, most of the plant cells are dead cells. ये आप लोगों को पता ही है बेटा, हमने जब respiration किया था कि उनकी requirement plant cells की oxygen की requirement बहुत कम होती है क्योंकि most of the cells are dead. तो dead cells के अंदर वो अपने metabolic waste को या store करके रखते हैं। Next thing, the excretory waste is also stored or deposit in the leaves and when the leaf fall, they get rid from those excretory waste. Root also lost certain minerals or the excretory waste when it is in contact with the soil. And last, that is the excretory waste get deposit in the old xylem. Okay. And last but not the least, the plant excrete gums and resins from the bark. So this is how the excretion occur in the plants. And by this, our excretion topic is over. Thank you.